मैं हूं इस वक्त सिविल अस्पताल में मोरबी के, और यहीं पर कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और 30 तारीख को जो मोरबी में पुल टूटने की वजह से कई लोगों की जान चली गई और कुछ लोग जो घायल हैं वो अभी भी अस्पताल में हैं। कल जब हम आए थे तब अस्पताल की हालत कुछ और थी और आज ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कल जिन लोगों से हमने बात की थी आज भी हम उनसे बात करेंगे, जो तरह तरह की तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया में कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के आने से पहले यहाँ अस्पताल में रंग रोगन का, मरम्मत का, साफ़ सफाई का काम किया जा रहा है। सड़कों पर हमने देखा सड़कें बनाने का, उसकी मरम्मत का काम चल रहा है। हम चलते हैं, बात करते हैं जिन लोगों से कल भी हमने बात की थी, जैसे अश्विनी है यहाँ पे। अश्विनी उस दिन गए थे, बचकर चले आए हैं, उनके पाँव में चोट आई है। उसके साथ ही यहाँ पे सिद्दीकी हैं, कल भी हमने इनसे बात की थी। इनके साथ ही जो थे अफरोज, उनकी जान चली गई थी, और रवि भी हैं। अश्विनी चाय पी रहे हैं आप, कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेहतर है। आज आपको बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे तो आपसे मिलेंगे? बताएंगे, ये सब लाएगा पेड़ा, बताएंगे। क्या कहेंगे आप उनसे? उनसे कहेंगे जो इतना वो ट्रैफिक हो गया ना, इसलिए हासला हो गया। ये आपको क्या लगता है जो पुल टूटा है जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है? जिम्मेदार तो इतना ट्रैफिक कर दिया ना, वो जिम्मेदार है ये सब करने के। बहुत लोग भीड़ चली गई। और तब से अपने अस्पताल में बहुत सारा बदलाव आ गया है। हाँ, आगे बदलाव आ गया। कोई दिक्कत यहाँ अस्पताल में? नहीं, कोई दिक्कत। कौन है आपके? ये मेरा भाई, बड़ा भाई। बड़ा भाई। तो जैसे अश्विनी है पिछले 2-3 दिनों से इसी अस्पताल में है, और उन्होंने कहा भी था, उन्होंने एक बात की चर्चा भी की थी कि किस तरीके से जिस वक्त वो गए थे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। इसी तरीके से मैं देख रहा हूँ इन लोगों को भी, ये दोनों भी थे। हम इनसे बात करना चाहेंगे। सिद्दीकी कैसी तबीयत है अब? हाँ, फिट हो आप? ये बताया गया कि आपको प्रधानमंत्री आपसे मिलेंगे आज? खुशी है उस वक्त, खुशी है। क्या कहेंगे आप उनसे? अच्छा लगा आपसे। ये जो घटना हुई, कई सारे लोग, आपका दोस्त फिर भी चला गया, तो उस बारे में क्या कहेंगे कि कौन जिम्मेदार थे? इसका जिम्मेदार तो वो तो पुल वाला है ना। आप लोग इनके साथ के हैं? आप लोग इनके साथ के हैं, तो जैसे इनसे भी प्रधानमंत्री मिलेंगे, तो ये वो जगह है जहां आएंगे, फिर वो मौके पर भी जाएंगे जहां पर ये हादसा हुआ था। मैं मोरबी के सिविल अस्पताल में हूं। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। कल भी मैं यहां आया था, लेकिन कल और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये देखिए, जैसे साफ सफाई हो रही है, रास्ते में ये कार्टन्स पड़े हुए थे। सामने अगर देखिए मेल इंजेक्शन रूम है, जहां भी सफाई चल रहा है। अभी ये जो डस्टबिन वगैरह हैं वो भी कल इसी तरीके से सब औंधे मुँह पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कितनी गंदगी पसरी हुई, अस्पताल जैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। हम आगे चलेंगे, जिन रास्तों से होकर मैं खुद गुजरा था और ऊपर उन लोगों से मिलने गया था जो मोरबी के पुल हादसे में, पुल टूटने की वजह से घायल हो गए थे। अब देखिए कितना साफ सफाई है, अस्पताल जैसा लग रहा है। आगे मैं कहूँगा, ये देखिए ये जो दो बेड हैं ये बिल्कुल ऐसे ही थे। इस पर कल जब मैं आया तो 4-5 लोग लेटे हुए थे, आज देखिए सजा धजा हुआ है, नए इस पर बेडशीट लगे हुए हैं, उस पर हॉस्पिटल का मार्क लगा हुआ है। सामने का इलाका जहाँ मैं कल था, वहाँ आप 1 सेकंड के लिए खड़े नहीं रह सकते थे। ये वाली वो जगह है जहाँ एग्जिट लिखा हुआ है नीचे, वो देखिए आज कितने करीने से सजा हुआ है। सारे टाइल्स वगैरह टूटे फूटे थे, पूरे गुटका थूक पान सबका पीक लगा हुआ था। अब इन सीढ़ियों से मैं ऊपर गया था फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पर लोग मिले थे हमें, वो जिन लोगों से हमने बात की थी। देखिए आज कितने हालात बदले हुए हैं, सवाल उठ रहे हैं। कल देर रात तक यहाँ पर काम होता रहा, मरम्मत का, साफ सफाई का, इन सब चीज़ों का, और सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी जाता है, देखिए अभी भी काम चल रहा है, कि कोई भी जब जाता है कहीं दौरा लगता है तो ये प्रोटोकॉल होता है कोई किसी भी VVIP के आने से पहले, कि वहाँ पर किस तरीके से मरम्मत का काम हो, साफ सफाई का हो, रंग रोगन का हो। लेकिन जब हालात इस तरीके के हों, जब करीब 140 लोगों की जान चली गई हो, और ये कोई मानवीय भूल वगैरह नहीं कह सकते हैं, जिस तरीके से घटना हुई, जिस पर कामकाज पर कंपनी के, सरकार के सवाल उठ रहे हों, वैसे स्थिति में अगर दौरे से पहले ये हालात हों और सब कुछ छिपाने की, एक नए अस्पताल को दिखाने की कोशिश की जा रही हो। अब देखिए इधर भी मैं दिखाऊं, सारे जो गत्ते वगैरह थे फोम वो हटाए जा रहे हैं आज भी,
ये पूरा जितना था टूटा हुआ उसमें रिपेयर का काम हुआ है। तो इसीलिए सवाल उठने तो लाजमी भी है, और इसीलिए सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी, जो गुजरात में एक नई ताकत बनकर उभर रही है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता और नेता जो हैं सोशल मीडिया में इस बात को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसी संवेदनशीलता है, और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं अस्पताल में जिस तरीके से पिछले कुछ घंटों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के से पहले। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज झा, TV9।